हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फेस ऑयल की। फेस ऑयल को सभी तरीके की गर्ल्स यूज़ करती हैं, चाहे वो ड्राई स्किन वाली हो, चाहे वो ऑयली स्किन वाली हो, चाहे वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाली हो। तो फेस ऑयल हम अपनी डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करना चाहेंगे। तो जहाँ पे बात आती है फेस ऑयल की, तो वहाँ पे बहुत सारे फेस ऑयल हैं मार्केट में। तो आज मैं जिस ऑयल का रिव्यू करना चाहती हूँ वो ऑयल है प्लम का ग्रेप सीड ऑयल। ये प्लम वालों का ग्रेप सीड ऑयल है, जो कि इसका जो फॉर्मूला है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये किस तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं, किस स्किन टाइप वालों को इसको किस तरीके से यूज करना है, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या इसके क्लेम्स हैं। तो उसके क्लेम्स ये हैं कि ये इंटेंस हाइड्रेशन करता है, सॉफ्ट और सपल स्किन को बनाता है, रिस्टोर करता है आपका नेचुरल ग्लो, और ये 10 प्लांट्स बेस्ड ऑयल से बना हुआ है। लेकिन 10 प्लांट बेस्ड ऑयल से बनने के बाद भी इनका क्लेम ये है कि ये नॉन ग्रीजी ऑयल है। जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि जो ऑयल होते हैं वो हमेशा ड्राई स्किन वालों के लिए होते हैं और उनको ऑयली स्किन वाले यूज नहीं कर सकते, बट इस ऑयल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इस ऑयल में ये क्लेम किया गया है कि जो प्लम का ऑयल है, ग्रेप सीड ऑयल है, ये नॉन ग्रीजी है। तो इसको आप जो ऑयली स्किन वाले हैं वो भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। और इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसा है कि ये ऑयल जो है ये ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन और ऑयली स्किन वाले तीनों लोग तरह के लोग जिनकी स्किन टाइप है वो लगा सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि बहुत क्विकली अब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन पे और नॉन ग्रीजी इफेक्ट देता है, बहुत जल्दी अब्जॉर्ब ये हो जाता है। तो इनके ये क्लेम सेकंड थिंग जो इन्होंने बताया है इस ऑयल में वो ये बोल रखा है कि ये रिड्यूस करता है आपकी इन्फ्लेमेशन, इसमें वॉन्ड हीलिंग प्रॉपर्टी है, ये आपके स्किन जो डैमेज हो चुके हैं उनको रिस्टोर करता है, आपका ग्लो रिस्टोर करता है, मॉइस्चराइज रिस्टोर करता है और आपकी स्किन को बहुत ही सपल और सॉफ्ट बनाता है, उसको ग्लोइंग बनाता है। ये सारी चीज़ें इसके क्लेम्स हैं। तो अब इस ऑयल को मैंने 1 मंथ यूज किया है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारी बॉटल मैंने इसकी यूज कर ली है। इसको मैंने डे एंड नाइट टाइम दोनों टाइम यूज किया है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये ऑयल के जो क्लेम्स हैं वो कितने सही हैं। तो सबसे पहले इस ऑयल का सबसे जो इन्होंने बहुत हाईलाइट करके लिखा है वो चीज इन्होंने ये भी लिखी है कि ये ऑयल नॉन ग्रीजी है। तो प्लीज जब भी आप इसको यूज करें तो उसको फॉलो अप करें मॉइस्चराइजर के साथ, विदाउट मॉइस्चराइजर आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत क्विकली अब्जॉर्ब हो जाता है। तो हाँ, जब भी मैं इसको यूज करती हूँ मैं इसके साथ एक मॉइस्चराइजर जरूर यूज करती हूँ। अगर आप इसके साथ मॉइस्चराइजर नहीं यूज करेंगे तो ये बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगा और बहुत ड्राई स्किन वालों की स्किन तो बहुत जल्दी ड्राई होना शुरू हो जाएगी। तो इसके साथ आपको एक मॉइस्चराइजर तो फॉलो अप जरूर करना पड़ेगा, चाहे वो ऑयली स्किन वाले हों चाहे वो ड्राई स्किन। चीज जो इस ऑयल में जो खास बात है, इस ऑयल को सिर्फ आप मॉर्निंग ऑयल और नाइट ऑयल की तरह यूज नहीं कर सकते। इस ऑयल को आप एज ए प्राइमर और फाउंडेशन के नीचे ग्लो लाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसे 2-3 बार अपने फाउंडेशन के पहले यूज करके देखा है और काफी अच्छा इफेक्ट आता है, काफी अच्छा ग्लो आता है फाउंडेशन में। और ड्राई स्किन वाले जब इसको यूज करेंगे अपनी फाउंडेशन के नीचे तो उनकी फाउंडेशन काफी ग्लोई सी लगती है, उनकी स्किन केकी और ड्राई बिल्कुल नहीं लगती। तो ये उसका काम भी करता है बहुत अच्छे से। और अब बात करते हैं इसने जो मैंने इस बॉटल को पूरा यूज किया मेरी स्किन पे इसका क्या इफेक्ट दिखा। तो ड्राई स्किन वालों के लिए मैं ये कहूंगी कि ये ऑयल अगर आप अपने फेस पे यूज करते हैं तो ना ही इसका बहुत बुरा इफेक्ट था मेरी स्किन पे और ना ही मैं कहूंगी बहुत अच्छा इफेक्ट था मेरी स्किन पे। ये बहुत न्यूट्रल ऑयल था, इसने बहुत ज्यादा कुछ मेरी स्किन पे नहीं किया, पिगमेंटेशन के साथ थोड़ा बहुत काम किया, ड्राइनेस पे ज्यादा वर्क इसने नहीं किया। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, ड्राइनेस पे इसने बहुत वर्क नहीं किया। आपको इसके साथ एक मॉइस्चराइजर जरूर रखना पड़ेगा। तो अगर ऑयली स्किन वालों की मैं बात करूं, यस डेफिनेटली ऑयली स्किन वाले इस ऑयल को एज ए नाइट ऑयल यूज जरूर कर सकते हैं और इसके साथ कोई भी अपनी पसंद का मॉइस्चराइजर अगर वो यूज करेंगे ये उनकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। प्लम का अगर ये प्रोडक्ट मैं अगर जनरली बात करूं तो ऑयली स्किन वालों पे ये ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा क्योंकि नॉन ग्रीसी है और उनकी स्किन पे जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाएगा तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो ड्राई स्किन वाले हैं
प्रॉब्लम यही आ जाती है कि वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन ड्राई की ड्राई दिखती थी मुझे, तो मेरी स्किन ड्राई की ड्राई ही दिखती थी। तो इसके साथ मैं मॉइस्चराइजर पे फॉलो अप करती थी तो मुझे थोड़ा ठीक लगता था। बात करूंगी पिगमेंटेशन की और रिंगन्स की और सेल रिस्टोर जैसे इसके क्लेम्स हैं, तो थोड़ा बहुत इसने वर्क किया, 40-50% बस मैं इतना ही बोलूंगी। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि इसने मेरी स्किन को बहुत एक्ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी या स्किन में और प्रॉब्लम्स आई, नहीं। ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और इसे मैं बहुत कम मार्क्स भी नहीं दूंगी। बहुत न्यूट्रल ऑयल है, फाउंडेशन के बेस पे यूज़ किया जा सकता है, नाइट ऑयल की तरह यूज़ किया जा सकता है, मॉर्निंग ऑयल की तरह यूज़ किया जा सकता है, मसाज कर सकते हैं इससे अपने फेस की अगर आप लोग चाहें तो। तो ये ऑयल ओवर एंड ऑल ऑयली स्किन वालों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू ड्राई स्किन वालों के लिए। अगर ड्राई स्किन वाले इसको अपनी स्किन पे रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो उसपे खुद लिखा है कि एक मॉइस्चराइजर ज़रूर रखें। तो बस यही है इसका कि मॉइस्चराइजर के बिना अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये उतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ये नॉन ग्रीसी है। तो जब भी आप इसको लगाएं, आप मॉइस्चराइजर के साथ लगाएं, फाउंडेशन के नीचे लगाएं, तो आप पे बहुत अच्छा इफेक्ट दिखेगा, स्किन अच्छी हो जाएगी। थोड़ी प्लम्प ये करता है मॉर्निंग में, थोड़ा सा इसका इफेक्ट दिखता है, बहुत ज़्यादा जितने क्लेम्स हैं उतना मैं इसको पॉइंट्स नहीं दे सकती, बट बुरा भी नहीं है। अगर आप इसको ट्राई एक बार देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली आपको बता रही हूँ कि मेरी स्किन पे इसने कैसे वर्क किया। और मेरी स्किन ड्राई है, एक्सट्रीम ड्राई स्किन है मेरी, तो जिनकी स्किन थोड़ी ड्राई है वो भी इसको एक ऑप्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ओवर एंड ऑल दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड एंड नॉट सो बैड। तो आप लोग इसको यूज़ करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये ऑयल कैसा लगा अपनी स्किन पे और इसके क्लेम्स जो हैं वो सही हैं या नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जैसा भी हुआ मैंने आप सबके साथ वो शेयर। एंड लास्ट जो मैं इस ऑयल के बारे में बताना चाहती हूँ कि इस ऑयल का प्राइस क्या है, तो इसका प्राइस 600-700 के अराउंड है। नायका पे डिस्काउंट्स चलता रहता है, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर आप लोगों को बता दूंगी, इसका लिंक नीचे शेयर कर दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। पर 600-700 के बीच में इसकी रेंज रहती रहती है, तो 600-700 के हिसाब से अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, क्योंकि कॉस्टली ऑयल है और इफेक्टिव भी है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, बट एक ट्राई देना इस ऑयल को ज़रूर बनता है। तो प्लीज़ इस ऑयल को ज़रूर यूज़ कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये ऑयल कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।